C++ में एक्सेप्शन हैंडलिंग के स्पोकन ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखेंगे। हम ये एक मिसाल की मदद से करेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ Ubuntu OS वर्जन 11.10, G++ कंपाइलर वर्जन 4.6.1। अब एक्सेप्शन के तारुफ के साथ शुरू करते हैं। एक्सेप्शन एक मसला है जो प्रोग्राम के अमल दरामद के वक्त पैदा होता है। ये रन टाइम एरर है जिसका पता प्रोग्राम लगा सकता है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग पर जाते हैं। प्रोग्राम के अमल दरामद के वक्त मसाइल को दिए गए रद्द अमल को एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग कारकर्दगी को जारी रखने की इजाजत देता है। ये मसले का पता लगाने में मदद करता है और कंट्रोल तरीके से प्रोग्राम को खत्म करता है। अब एक्सेप्शन की किस्में देखते हैं। ट्राई, कैच और थ्रो। हम एरर प्रोन कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं। फिर इसे थ्रो इस्तेमाल करते हुए संभाला जाता है। इसके बाद कैच स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हुए इस एक्सेप्शन को पकड़ा जाता है और फिर ये अमल आवर होता है। ट्राई, कैच और थ्रो के लिए सिंटैक्स यानी साख्त है थ्रो, ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक। यहाँ हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। थ्रो स्टेटमेंट ट्राई ब्लॉक के अंदर भी लिखा जा सकता है। हमारे पास एक से ज्यादा ट्राई कैच ब्लॉक्स हैं। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग पर एक मिसाल देखते हैं। मेरे पास कोड है, मैं इसे खोलूंगा। नोट करें हमारा फाइल नेम exception.cpp है। इस प्रोग्राम में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग इस्तेमाल करके सिफर से तकसीम वाला एरर हल करेंगे। अब पूरे कोड को देखते हैं। ये iostream हमारी हेडर फाइल है। यहाँ हम std namespace इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास आर्ग्यूमेंट int a और int b के साथ फंक्शन division है। फिर हम जांचते हैं कि b == 0 है या नहीं। अगर true है तो हम division by 0 condition exception को throw करते हैं। फंक्शन a और b के division को return करता है। ये हमारा main फंक्शन है। इसमें हम इंटीजर वेरिएबल x, y और एक डबल वेरिएबल z डिक्लेयर करते हैं। यहाँ हम x और y की वैल्यू लेते हैं। ये हमारा ट्राई ब्लॉक है। यहाँ हमने फंक्शन डिवीजन कॉल किया और नतीजे को z में स्टोर किया है। फिर हम z की वैल्यू प्रिंट करते हैं। ये हमारा कैच ब्लॉक है। इसमें हम एक आर्ग्यूमेंट मैसेज कैरेक्टर कांस्टेंट के तौर पर पास करते हैं। फिर हम मैसेज को प्रिंट करते हैं। ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। अपने कीबोर्ड पर एक साथ कंट्रोल, ऑल्ट और टी कीज दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें। कंपाइल करने के लिए टाइप करें G++ space exception.cpp space -o space ex, एंटर दबाएं। टाइप करें /ex, एंटर दबाएं। x और y की वैल्यू एंटर करें। मैं 3 और 0 दूंगा। आउटपुट जाहिर होता है डिवीजन बाय 0 कंडीशन। दोबारा कंपाइल करते हैं। अप एरो की दो बार दबाएं, एंटर दबाएं। दोबारा अप एरो की दो बार दबाएं। x और y की वैल्यू एंटर करें। मैं 8 और 2 दूंगा। आउटपुट 4 है। इस तरह ट्राई, कैच और थ्रो ब्लॉक काम करते हैं। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के आखिर में आ गए हैं। स्लाइडों पर वापस आते हैं और खुलासा करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने देखा एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई, कैच और थ्रो ब्लॉक्स। एक मशक, मुलाजमीन की एज यानी उम्र जाहिर करें। एक एक्सेप्शन थ्रो करें ये जांचने के लिए कि एज 15 से कम है या नहीं। दर्ज लिंक पर दस्तियाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ न हो तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org को लिखें।
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे MHRD हुकूमत हिंद के ICT के जरिए कौमी खानदगी मिशन की तरफ से हिमायत हासिल है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्जे लिंक पर दस्तियाब हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया।